केमिस्ट्री का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, या जिसको हम हिंदी में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था और इस नियम में हमने ये सीखा था कि ऊर्जा जो है उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको किसमें बदला जा सकता है, रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि हमने ये नियम पढ़ लिया कि जो विद्युत ऊर्जा है, जो ऊर्जा है उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो फिर विद्युत ऊर्जा जो हुई उसको किसमें बदला जा सकता है, रासायनिक ऊर्जा में, और जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किसमें बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में। बात क्लियर हुई? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपसी अंतर परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलती है, उस शाखा को विद्युत रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत रसायन कहा जाता है। क्लियर है? विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन का मतलब कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा को आपसी अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। तो विद्युत रसायन के अंदर हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन को पढ़ेंगे। इसके अलावा वह युक्ति को इंग्लिश में मशीन कहा जाता है, वह युक्ति या मशीन, वह युक्ति या मशीन जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकती है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है, उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, सेल। तो इस लेसन में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे पदार्थ जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का चालन करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती है और किस प्रकार से सेल के परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहां हम बात करेंगे चालकों के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है उन्हें चालक कहा जाता है। ठीक है, इसको भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो चालक विद्युत धारा का चालन करने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो आपने एक लेसन पढ़ा होगा रासायनिक साम्य वाला, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि आयंस जो बनते हैं उनकी वजह से जो आवेश का स्थानांतरण होता है। तो चालक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं भाई धात्विक चालक और दूसरे हैं विद्युत अपघटनी चालक। एक है धात्विक चालक और दूसरे हैं विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक उन चालकों को कहा जाता है जिसमें धारा का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण होता है, गति के कारण होता है। ठीक है, जो धात्विक चालक वो है धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, और विद्युत अपघटनी चालक वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण।
आयनों की गति के कारण होता है। ठीक है, आयनों की गति के कारण। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में धारा का चालन तो हो रहा है, लेकिन धारा के प्रवाह के जो कारण है वो दोनों अलग अलग हैं। इसमें देखिए, इसमें जो धात्विक चालक जो है वो किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, किसकी वजह से धारा का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिसकी वजह से उनमें धारा का चालन होगा। और विद्युत प्रेरणी चालक वो है जिनमें आयनों की गति के कारण धारा का चालन होता है। जो धात्विक चालक है इनमें धारा के प्रवाह के बाद कोई रासायनिक अंतर नहीं आता, रासायनिक अंतर नहीं आता, इनमें कोई भी केमिकल चेंजेस जो है वो नहीं होते। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक हैं इनमें रासायनिक रूप से परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक रूप से परिवर्तन। ठीक है, तो इनमें केमिकली चेंज हो जाते हैं। केमिकली चेंज ऐसे हो जाते हैं कि जब वो उदासीन अवस्था में होते हैं तो जैसे ही उनमें धारा का प्रवाह करते हैं तो उनमें वो क्या है, आयनिक अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रकार से इनमें क्या होता है कि रासायनिक रूप से परिवर्तन आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो जो धात्विक चालक है उनकी जैसी मर्जी अवस्था हो, यानी कि ठोस अवस्था हो चाहे द्रव अवस्था हो, तो ये दोनों ही अवस्थाओं में धारा का चालन करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि दोनों ही अवस्थाओं में धारा का चालन करते हैं, यानी कि जो धात्विक चालक है ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों ही रूप में धारा का चालन करते हैं। ठीक है, दोनों ही रूप में धारा का चालन करते हैं। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये केवल द्रव अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था या मैं कह रहा हूं कि अपने जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं। ठीक है, जो धात्विक चालक जो है इनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए या फिर ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने पर जो है चालकता घटती है। ठीक है, तो धात्विक चालकों के जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनके अंदर जब धारा प्रवाहित होती है और अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाए चालकता की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक है इनमें धारा ताप का संबंध ये होता है कि ताप बढ़ाने पर चालकता जो है वो बढ़ जाती है, चालकता बढ़ती है। क्लियर हुई बात? मतलब ये हुआ कि दोनों ही केसेस के अंदर जो ताप का प्रभाव है वो अलग अलग होगा। विद्युत अपघटनी चालक जो है ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों का वियोजन बढ़ता है, वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी जिसकी वजह से चालकता बढ़ेगी। लेकिन धात्विक चालक जो है उनमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था के अंदर कोई ना कोई चेंज होता है। ये आप सॉलिड स्टेट वाले लेसन में पढ़ चुके हो कि ताप बढ़ाते हैं तो जो धात्विक चालकों के डोमेन्स होते हैं उनकी व्यवस्था के अंदर अंतर आता है। तो उस कारण से क्या होता है कि धात्विक चालकों के अंदर ये जो चालकता है उसके मान जो है वो कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको कुछ चीजें बता दी इसमें धात्विक चालक जो है उनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जितने भी धातु हैं, ठीक है, जिनमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, धातु जिनमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सारे के सारे क्या हैं, Ag, Fe, Cu, जगह नहीं है Cu, इसके अलावा आगे कॉपर और एल्यूमिनियम, गोल्ड,
सारे के सारे क्या है धात्विक चालक है क्योंकि ये धातु का जो धारा का चालन करते हैं। फिर विद्युत अपघटनी चालक जो है इनके अंदर लवण आ जाएंगे तो सारे के सारे लवण जो है विद्युत अपघटनी चालकों में शामिल होते हैं, जैसे NaCl हुआ, NaCl, NH4Cl, NH4Cl के अलावा KNO3 हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, ठीक है, KCl हुआ, KOH हुआ, ये चार ऐसे भी धारा का चालन करेगा, NaOH हुआ, AlOH3 हुआ, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं वो सब विद्युत अपघटनीय चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। और जो ये हैं ये धातुएं आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी धातुएं चालन करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने चालकों के बारे में पढ़ लिया और चालकों के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया कि चालक और धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक जो है उनमें अंतर क्या क्या होते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत अपघटनीय चालकों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि दो प्रकार के चालक होते हैं धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। तो विद्युत अपघटनीय चालक जो है वो फिर आगे फिर दो प्रकार के होते हैं। तो विद्युत अपघटनीय चालकों को हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ठीक है, और दूसरे होंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। दो प्रकार के चालक होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य जो है इनके बारे में इनकी जो डेफिनेशन है ये है कि ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, या मैं कह रहा कि ये वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतया वियोजित होने का मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का, NaCl के अंदर अगर इसका जलीय विलयन बना दिया जाए तो जलीय विलयन बनाते ही ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे आयनित हो जाएगा। अब पूर्णतया वियोजित होने का ये भी मतलब है कि अगर इस NaCl के 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 के 100 ही जो है वो वियोजित हो जाएंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो आंशिक रूप से आयनित होने का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल हमने लिया CH3COOH का, ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, CH3 एसिटिक एसिड जो है इसको अगर हम वियोजित करें तो ये टूटेगा CH3COO यानी कि एसिटेट और H पॉजिटिव आयन। तो एसिटेट और H पॉजिटिव आयन में जब ये टूटेगा तो ये पूर्णतया जो है वो आयनित नहीं होगा, यानी कि अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 में से सिर्फ 20 मॉलिक्यूल जो है वो आयनित होंगे, बाकी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो दुर्बल है और ये प्रबल है। अब अगर हम धारा की मात्रा की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य में चालकता जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि आयनों की संख्या ज्यादा होगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उनमें आयनों की मात्रा जो है कम होगी जिसकी वजह से उनकी चालकता भी जो है वो कम होगी, क्लियर है भाई। अगर मैं उदाहरणों की बात करूं प्रबल विद्युत अपघट्य की तो प्रबल विद्युत अपघट्य में जितने भी प्रबल अमल, प्रबल क्षार है या प्रबल अमल और प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण है वो सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो जैसे देखिए HCl अम्लों की अगर मैं बात करूं H2SO4, NaOH, ठीक है, KOH, फिर अगर बात करें हम लवणों की तो NaCl, KCl, ठीक है, इसके अलावा हो गया ये अमोनियम का तो सॉल्ट उधर आ जाएगा, अमोनियम के अलावा इसके अंदर आ जाएगा प्रबल क्षार,
जैसे CH3COOH ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा आ गया CH3COONH4, ठीक। तो ये प्रबल दुर्बल प्रवृत्ति के जो लवण और अम्ल जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके अलावा NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट जो है NH4OH अमोनियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे जो है इसमें आ जाते हैं। दुर्बल विद्युत प्रकटों के अंदर इनकी गिनती होती है, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, विद्युत अपघटनीय चालकों का वर्गीकरण। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतया विघटित हो जाते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होंगे जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं या वियोजित होते हैं। वियोजन और आयन वियोजित हो जाते हैं, ठीक है भाई, वियोजित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं और इनके भी एग्जाम्पल। अब कई बच्चों का ये सवाल होता है कि भी हमें सर पता कैसे लगेगा कि कौन से दुर्बल है और कौन से प्रबल है। तो पता लगाना जो है परिभाषाओं से तो आप वैसे इसको याद कर सकते हो, लेकिन उदाहरण जो है ये आपको एक 11th के अंदर टॉपिक आया था जिसके अंदर हमने लवणों का प्रकार पढ़े थे, लवण कितने प्रकार के हैं। तो लवणों का जो है पता जो है वो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ है तो वो फिर प्रबल विद्युत अपघट्य ही होगा। अगर कोई लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना तो भी वो प्रबल होगा, यानी कि दोनों चीजें या दोनों में से एक चीज प्रबल होनी ही चाहिए। लेकिन अगर दोनों ही दुर्बल प्रवृत्ति के हैं तो फिर वो दुर्बल विद्युत अपघट्य में गिनती होगा, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद आता है वो है भाई विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो कौन कौन से कारक हैं विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या होते हैं भाई? देखो अंतर आयनिक आकर्षण बल वो बल होते हैं जो आयनों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए प्लस और बी माइनस का, तो ए प्लस और बी माइनस के बीच में जो बल पाया जाएगा और वो बल के रूप में होता है, वो बल ही अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। अब अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है जब हम इसको किसी विलायक में डाल देते हैं, जैसे मान लिया वाटर में हमने इसको या जल के अंदर डाला, जलीय विलयन बनाया, तो जैसे ही इसको हम जल में डालेंगे तो ये आयन्स हैं वो टूटेंगे। इस प्रकार से टूटकर क्या होंगे? जल के साथ क्रिया करके जल में घुल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो बंद इसके बीच में बन रहा है वो बंद मजबूत प्रवृत्ति का हो, है ना, प्रबल बंद हो, तो फिर वो आयन उसमें आसानी से नहीं घुलेगा। तो मतलब ये हुआ कि अंतर आयनिक आकर्षण बल जितने ज्यादा होंगे, मतलब इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इनकी जो चालकता है वो उतनी ही क्या होगी? कम होगी। समझ में आई बात? क्योंकि चालकता किस बात पे निर्भर करती है? आयनों की गति पर निर्भर करती है। तो जब तक इन आयनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा गति जो है वो आयन बनेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं, तो गति होगी नहीं, जिसकी वजह से चालकता जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात है आयनों का विलायकीकरण। जब विलायक में किसी भी लवण को डाला जाता है तो वो उस विलायक में विलेय हो जाता है। जब वो विलेय होता है तो फिर क्या होता है कि उसके आयनों का आकार है ना वो बढ़ जाता है। जैसे मान लिया ये एक पात्र है, इसके अंदर जल डाला हुआ है और हमने इसमें एक विलायक डाला, मान लिया ये विलायक का एक आयन है, एक विलेय का आयन है ना, विलायक तो ऑलरेडी है ही इसके अंदर, ये देखो ये विलायक तो है, ये विलेय है। विलेय जो विलेय होगा जैसे ही विलायक के कणों के साथ क्रिया करेगा तो इस कण के साथ जो विलायक के अणु हैं वो चिपक जाएंगे, ठीक है। ऐसे जब ये विलायक के अणु इसके साथ चिपक जाएंगे तो क्या होगा
कि ये कण जो है वो आकार में बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो गति है वो कम हो जाएगी। गति कम होने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर जो चालकता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर विलायकीकरण की मात्रा ज्यादा होगी तो चालकता फिर उसकी क्या होगी, कम होगी। तो ये किसी भी जो है आयन के लिए या विद्युत अपघट्य के लिए बात सही है कि विलायक के साथ जितनी अधिक क्रिया करेगा, जितना उसमें अधिक घुलेगा, उस विद्युत अपघट्य के जो कण है वो क्या होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो चालकता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं विलायक की श्यानता या विस्कोसिटी। तो श्यानता जो होती है उसमें क्या होता है कि जितना भी कोई भी द्रव जो है वो गाढ़ा होता है उसके आयनों की गति उतनी ही कम होती है। श्यानता का मतलब होता है किसी भी द्रव के बहने का गुण। जैसे हम शहद की बात करें तो शहद की जो श्यानता है वो क्या होती है, अधिक होती है। जल की श्यानता जो है वो कम होती है। तो श्यानता जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही द्रव के बहने का गुण या उसके आयनों की गति जो है वो कम होगी। तो श्यानता जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। क्लियर है भाई। फिर उसके बाद में बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। तो विलयन की सांद्रता के साथ भी यही कनेक्शन है कि विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब विलयन गाढ़ा होगा। अगर सांद्रता ज्यादा होगी और विलयन गाढ़ा होगा तो उसके आयनों की गति जो है वो क्या होगी, कम होगी। आयनों की गति अगर कम होगी तो चालकता क्या है, फिर कम हो जाएगी। तो सांद्रता के साथ भी ये कनेक्शन है। फिर उसके बाद में आता है ताप। तो टेम्परेचर जो है जितना ज्यादा होगा, जैसे कोई भी आयंस है, मान लेते हैं यही एग्जांपल हमने लिया ए प्लस बी नेगेटिव का, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव जो है टूट जाते हैं इस प्रकार से। जब वो टूट जाएंगे तो आयनों में परिवर्तित हो जाएंगे, इसका मतलब आयन बनेंगे, आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उससे फिर क्या होगा, आयन इसकी जो चालकता बढ़ जाएगी। तो ताप के साथ चालकता का जो रिलेशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ताप जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। लेकिन किस केस में है ये सिर्फ विद्युत अपघट्यों के केस में है, ठीक है, धात्विक चालकों के केस में नहीं है। विलयन की सांद्रता के बारे में बता दूं आपको कि सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अगर तनुता बढ़ानी चाहे, तनुता तो तनुता जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, मतलब सांद्रता कम करते जाओ तनुता बढ़ाते जाओ, यानी इसमें पानी डालते जाओ, तो तनुता जितनी ज्यादा होगी चालकता वैसे वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पांच कारक आपको याद रखने हैं जो किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता को जो है वो प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये मैंने आपको। ठीक है, तो ये विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं। मैंने आपको कहा था कि ऐसे ऐसी युक्तियां जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेल स्टार्ट करा दूंगा, जिसमें कि पहला सेल है विद्युत अपघटनी सेल, उसको हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं।